अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था टॉपिक क्रिएट अ वेबसाइट इन ड्रीमवीवर। आज के इस क्लास में लेआउट ऑफ थीम, वर्डप्रेस की जो थीम लेआउट होगा वो हमारा होगा कुछ इस तरह से होगा जी। ये वेबसाइट हमने बनाई थी, वेबसाइट लेआउट देखें, ये है हमारा हेडर, साइड बार, कंटेंट बार, नेविगेशन बार एंड फुटर, ठीक है जी। अब हम अपनी वेबसाइट का लुक कुछ इस तरह से देंगे। इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। एडिट करने के लिए हमारे पास ये एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फोटोस्केप। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, इजी टू डाउनलोड है, 2 MB का सॉफ्टवेयर है जी, इजीली इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। एडिट पर आकर जहाँ पर आपका कोर्स पड़ा होगा, ठीक है जी, कंप्यूटर के अंदर, मीडिया के अंदर, ट्यूटोरियल्स के अंदर, नई हुसैन न्यू, और जी यहाँ पर हम वेब डिज़ाइनिंग एंड डिज़ाइन वर्डप्रेस थीम, इसके अंदर ये प्रोजेक्ट क्रिएट वेबसाइट, ये है जी हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है जी। इसकी एडिटिंग करते हैं। इसकी एडिटिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखें, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट ऐड करने के लिए ऐड करेंगे जी, हम लिखेंगे हेडर, ठीक है जी, ये तो है हमारा हेडर, ठीक है। हेडर के लिए क्या कोड अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, सही है जी। और ये है हमारा साइड बार, ओके जी, ये साइड बार हो गया। और जी ये है हमारा कंटेंट बार, या सेकेंडरी बार ही कह दें क्योंकि हमने कोडिंग में सेकेंडरी बार बनाया था, सेकेंडरी बार, ओके, सही है जी। और ये है हमारा मेन्यू बार, मेन्यू बार, ओके। और ये है जी हमारा फुटर, ठीक है जी। वर्डप्रेस के अंदर जो हमने थीम इंस्टॉल किया हुआ है, ये थीम इंस्टॉल किया हुआ है इसका, देखें ये वर्डप्रेस है, ये है हेडर, ठीक है। और बिल्कुल नीचे ये है जी फुटर, और ये जी यहाँ से सर्च से जो स्टार्ट हो रहा है ये है हमारा साइड बार, और ये है कंटेंट बार। इसके अंदर ये जो सैम्पल पेज देख रहे हैं ये है हमारा नेविगेशन बार। तो सिंपली द बेस्ट, इसके लिए हमारे पास कोड्स होते हैं। मैं ओपन करूँगा पहले प्रोजेक्ट, उसका मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूंगा जी। ड्रीम व्यूअर के अंदर हम ड्रीम व्यूअर आप इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है जी। एडोब ड्रीम व्यूअर सीसी हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर डिज़ाइनिंग के अंदर यहाँ से डिज़ाइन वर्डप्रेस थीम प्रोजेक्ट थीम के अंदर ये मैं कोड ओपन कर लूँगा जी यहाँ से, ठीक है जी। और इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है, और इसके CSS फाइल देखें आप, ये हो रही है। और इसका आउटपुट मैं ब्राउज़र में दिखा दूँ आपको, वेब ब्राउज़र में इस फाइल का आउटपुट, सही है जी। इधर से ही ओपन कर देते हैं जी थीम, ओके, ये थीम डबल क्लिक कर ओपन करते हैं जी। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो वेब ब्राउज़र है वो कौन सा है जी, हमारा ओके जी, ये है हमारी वेबसाइट का आउटपुट लेआउट जो हमने HTML के अंदर क्रिएट वेबसाइट ड्रीमवीवर के अंदर वेबसाइट बनाई थी। और ये इसका है जी सोर्स कोड, ये है इसकी डिज़ाइनिंग, और ये है इसकी CSS, ठीक है जी। CSS के अंदर जैसा कि मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर हेडर, मेन्यू बार, साइड बार, सेकेंडरी बार और फुटर ये रखे थे जी हमने। सोर्स कोड के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, रैपर है जी, रैपर के अंदर है हेडर, मेन्यू बार है जी, मेन्यू बार के अंदर होम कॉन्टेक्टर्स, और जी कंटेंट्स के अंदर ये कुछ टाइप किए गए हैं टेक्स्ट, और साइड बार के अंदर जी ये हैं साइड बार, और जी हमारे पास फुटर के अंदर कॉपीराइट कंप्यूटर पाकिस्तान .com, ये जी हैं हमारे इस के
कंटेंट्स, ठीक है जी। और इसका लेआउट जो हमारा था जी, वो है लेआउट, ये है जी लेआउट हमारे पास, सेव एज वेबसाइट लेआउट किया था मैंने, इसको सेव एज करते हैं जी हम, सेव एज डेस्कटॉप पर वेबसाइट लेआउट के नाम से, ठीक है जी। और इस लेआउट को मैं यहाँ से कॉपी कर कर रख देता हूँ अपने वेबसाइट के फोल्डर पर, यहाँ पर पेस्ट करेंगे जी। और यहाँ से जो कोड है हमारा, ये यहाँ से ले लेंगे जी कॉपी, और इसको भी रख देंगे यहाँ पर, ठीक है जी। क्रिएट अ वेबसाइट इन ड्रीमवीवर, इसके अंदर हम इसको रख देते हैं, रिप्लेस कर देंगे जी, ठीक है जी। ये कोड है और ये हमारे पास फाइल है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है जी। अब इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे हम, साइड बार की जगह पर हम साइड बार ऐड करेंगे, और जी हम हेडर की जगह पर हेडर को ऐड करेंगे। ये कुछ कोड होंगे हमारे, वो हम ऐड करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है जी। इस क्लास के अंदर लेआउट थीम क्रिएट कोडिंग ओवर थीम लेआउट, लेआउट थीम मैंने बताया आपको, हेडर फुटर वगैरह। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर उनके हेडर के अंदर कोड रखेंगे PHP के, सही है जी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।